बिहार में महागठबंधन के वजूद को नकार रहे ये हैं एलजेपी के नए नवेले बिहार प्रभारी चिराग पासवान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, जिसका जवाब देने के लिए चिराग पासवान आए हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का कुछ नहीं होने वाला, महागठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो गई है। जब सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो उसे गठबंधन कहना सही नहीं। चिराग ने आगे कहा कि हमारा सारा ध्यान अपने गठबंधन पर है। 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग 225 सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। महागठबंधन का अब कुछ नहीं होने वाला, महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी है। अब उसको महागठबंधन कहना भी मुझे लगता है शायद अब उचित नहीं है। जब सारी पार्टियां अलग अलग ही अब चुनाव लड़ रही हैं, तो अब ये गठबंधन रहा कहाँ। मैं पूरा ध्यान हम लोगों का केंद्रित है हमारे एनडीए के गठबंधन में। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आज पुनः उस गठबंधन को और मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात हुई। तुरंत अब इसके बाद मैं माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी से ही मुलाकात करने जा रहा हूँ। हमारा गठबंधन मजबूती से, और ये सब मैं उपचुनाव की बात नहीं कर रहा, उपचुनाव तो महज अब एक औपचारिकता वर्ष बाकी है। परिणाम हम लोग के पक्ष में आएंगे, पर मेरा विश्वास 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी है कि हमारा गठबंधन उसमें भी इस बार एक ऐतिहासिक जीत हम लोग हासिल करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा में हम लोगों ने 40 में से 39 सीटें हम लोगों ने जीती, उसी तरीके से इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा में भी हम लोग 225 सीटों से ऊपर जीत कर एनडीए सरकार बनाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि सीएम के साथ ये मेरी शिष्टाचार मुलाकात थी, आगामी उपचुनाव को लेकर सीएम से चर्चा हुई। कोई ऐसा औपचारिक कोई मकसद नहीं था बातचीत का, सिर्फ ये एक शिष्टाचारिक मुलाकात थी। हम हमारे छोटे भाई प्रिंस राज, नई जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, उसके बाद पहली बार जब यहाँ आया तो मुख्यमंत्री जी से एक शिष्टाचारिक मुलाकात थी। आगे विधानसभा के और लोकसभा के जो उपचुनाव हैं उसको लेकर कुछ बातचीत हुई, और इसके अलावा और कुछ नहीं, ज्यादातर एक शिष्टाचारिक मुलाकात थी। बीजेपी के कई बड़े नेता 2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा मानने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में आ रही ऐसी बयानबाजी पर सीएम और हम ध्यान नहीं दे रहे। ना मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी इस बात के बारे में कोई सोच कर रहे हैं, ना हम लोग। मैं निरंतर मैं बोल रहा हूँ, ये बात से मीडिया में अगर कोई बयानबाजी आती है उसको लेकर हम लोग गठबंधन के भीतर बैठे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है ना ऐसा कभी होगा। अगर कभी कहीं से अगर कोई औपचारिक माध्यम से अधिकृत सोर्सेज से अगर कोई ऐसी खबर आती है, डेफिनेटली उस वक्त हम लोग सोचेंगे। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से क्लियर है, मुख्यमंत्री जी से आज जिस तरीके से बातचीत हुई, जिस संतोष भाव के साथ उनसे बातचीत हुई, मुझे नहीं लगता कि ये बातें उनको भी कोई इफेक्ट कर रही हैं या वो भी इस बारे में सोच रहे हैं। और ईमानदारी की बात है, हम लोग गठबंधन में हम लोग इसको लेकर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने अभी तुरंत लक्ष्य है उपचुनाव का, और उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव है, तो ये सब की चर्चा की कहीं गुंजाइश भी नहीं है। ये बात एकदम साफ तौर पे है कि मुख्यमंत्री जी से आप मिलकर ये आश्वस्त कर दिए हैं कि 2020 के चुनाव को लेकर कोई भी कहीं कंफ्यूजन आपको नीतीश कुमार को लेकर नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी से मुझे मिलकर उनको आश्वस्त करने की जरूरत है। जो संबंध मुख्यमंत्री जी के और हमारे पारिवारिक जिस तरीके से संबंध रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये कहना कि हम लोगों को शब्दों में ढालने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी और उनके संबंध बहुत गहरे हैं, वो पहले से ही इस बात को जानते हैं, और जैसा मैंने कहा कि गठबंधन में भी इस बात को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं और चर्चा की गुंजाइश भी नहीं है। एनडीए के अंतर्कलह पर सफाई देने के बाद एलजेपी के बिहार प्रभारी ने तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई तेजस्वी में अभी तक बचपना नहीं गया है, अगर वो महागठबंधन के नेताओं की नहीं सुन रहे तो कम से कम अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तो सुने। छोटे भाई को थोड़ा सा बस बचपना भी और कम करने की जरूरत है। बचपन में हम लोग देखते थे कि हम लोग जिस तरीके से हठ योग हम लोग अपना लेते होते थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बचपना अभी मेरे छोटे भाई में से गया नहीं है। जिस तरीके से हठ योग में आके खुद अकेले सब निर्णय लेना, कहीं ना कहीं उसमें ये अहंकार भी दिखता है। मेरा छोटा भाई है, निरंतर मैंने बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसे सुझाव दिया है, पुनः ये सुझाव दूंगा, अहंकार अच्छा नहीं है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पार्टी में जितने वरिष्ठ नेता हैं कम से कम उनकी राय उन्हें जरूर सुननी चाहिए। अगर गठबंधन में किसी की नहीं सुनते, कम से कम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय जरूर सुना है। बिहार में महागठबंधन की अंतर्कलह तो जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन चिराग पासवान का एनडीए में हो रहे नीतीश कुमार के विरोध से इनकार करना गले से नहीं उतर रहा।
अब ये देखने वाली बात है कि सीएम उम्मीदवार को लेकर एनडीए में चल रही लड़ाई खत्म हुई है या कुछ समय के लिए दबा दी गई है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पटना से सुजीत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।